हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ। आप सभी शालिनी डेट क्लासेस साथ बने हुए हैं। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे साइंस का सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। साइंस को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साइंस में इस बार काफ़ी लेंदी प्रोसेस में दे दिया गया आपका सिलेबस। हम हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँ। आज का जो टॉपिक है यहाँ पर, ये फसल से रिलेटेड है, क्रॉप से। हम इनके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। आपने थंबनेल पर भी देख लिया ये सारी चीज़ें कि क्या हमें आज पढ़ना है। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में चीज़ पूछनी होगी। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, तभी मैं आपको जेन्युइन रिप्लाई उसका कर पाऊंगी। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, तभी आपको ये सारे PDF मिलेंगे। तो लिंक आपको हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया है मैंने, कहीं से भी आप उठा लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। नाम शालिनी डायरेक्ट क्लासेस ही रखा है मैंने, ठीक है। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है तो आपको मुझे पूछना होगा कमेंट बॉक्स में। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, देखते हैं कि टॉपिक क्या है जो हम पढ़ेंगे आज। फसल, दैट मीन क्रॉप, फसल से संबंधित जानकारी, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रॉप। चलिए देखते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि कार्य किया जाता है। हमारे इंडिया में कृषि कार्य, एग्रीकल्चर का काम बहुत समय से हो रहा है, जिसकी वजह से यही एक कारण रहा है कि इंडिया को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। इंडिया को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि बहुत पुराने समय से जो खेती है, जो किसानी है, जो ये खेती बाड़ी का काम है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। यहाँ तक कि भारत की जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है, जो मजबूत बनाया है, जो हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करके रखा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको जो मेंटेन करके रखा है, उसमें जो एग्रीकल्चर का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेस ही कह सकते हैं आप, क्योंकि पहले के टाइम पर, आज के समय इतना मॉडर्नाइजेशन जो आया है, इतनी इंडस्ट्रीज़ आई है, कंपनी आई है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब तब नहीं थी, ठीक है। तब ये खेती बाड़ी, किसानी, सूत काटना, यही सारी चीज़ें होती थी। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। फसल क्या होती है, व्हाट इज़ क्रॉप, आपसे प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करिए, अभिप्राय बताइए, ऐसे ही शब्द आपको प्रश्न के साथ आ जाएंगे। मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना के अनुसार जिन पेड़ पौधों का उत्पादन करता है, जैसे एक मनुष्य है, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, हम लोग अपनी भोजन, जैसे हमारे जो भोजन है उसकी जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए अपने अनुसार हम पेड़ पौधे को उत्पादन करवाते हैं, लगवाते हैं या लगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं, क्योंकि वो फसल हम लगाते हैं क्योंकि उसको हम खाते हैं, वो हमारी नीड है। दूसरे शब्दों में वे कह सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्रफल में पौधे का वह समूह जो भोजन की पूर्ति के साथ ही आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं। फसल क्या होती है कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में एक पौधे का ऐसा समूह होता है, एक ऐसा संगठन होता है जो भोजन की पूर्ति के लिए उसको लगाया जाता है और उसे आर्थिक लाभ भी उठाया जाता है, या आर्थिक कुछ रुपए कमाने के भी दृष्टिकोण से उसको लगाया जाता है, किया जाता है काम, उसको हम फसल कहते हैं। साधारण सी बात है, सीधी बात, सस्ती बात, टिकाऊ बात। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ें। देखिए, भारत में फसलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया में जो फसलों के प्रकार है उनके बारे में जाना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमको यहाँ से ही चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है। भारत में मौसम के आधार पर, वेदर के हिसाब से तीन प्रकार की खेती होती है। हमारे यहाँ तीन प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, वो तीन प्रकार क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहली जो है वो है खरीफ की क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप। अब इनके बारे में जानते हैं क्या है। देश में खरीफ की फसल को मानसून के मौसम, मानसून का मौसम जो अभी समय के लगभग हमारे इंडिया में हर जगह फैल चुका है, ठीक है, वो यूपी में ही बारिश का लगभग नहीं देखा गया है फिलहाल के लिए, और हर जगह लगभग बारिश का हुई है। बिहार वगैरह में देखिए एकदम फैला ही हुआ है, बाढ़ आई हुई है, हमेशा एकदम से हमेशा आती है वहाँ पर फिलहाल के लिए। यहाँ पर बात कही मानसून के मौसम में, अर्थात जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है जो खरीफ की क्रॉप होती है, वो मानसून के सीज़न में लगाई जाती है, यानी कि जून से लेकर जुलाई के महीने में हम इसको लगाते हैं। मंथ याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका मंथ क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन जाएगा और हमें आता रहता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूज करते हैं उसमें किसी एक ही चीज़ को याद किया करिए, तो आपको दूसरी चीज़ को याद हो जाएगी, इसका अपोजिट यही होगा, ठीक है। इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं, एक तो खरीफ की फसल कहते हैं, दूसरा वर्षा ऋतु की फसल, या तो मानसूनी फसल भी कह सकते हैं, तीन नाम हो गए इनके। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बुआई का समय हवा में नमी के साथ सामान्य टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हम इसको खरीफ की फसल कहते क्यों हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एयर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी, दैट मीन ह्यूमिडिटी, ठीक है, और जो टेम्परेचर रहता है वो सामान्य हो जाता है। जैसे अभी देखिए तो आपके मई के सीजन में 42 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर था यूपी भर में,
तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है जब मानसून का सीजन आ जाता है तो। और ये जो आवश्यकता है ये होती क्यों है, क्योंकि जो खरीफ में हम सब्जी लगाते हैं या हम जो फसल लगाते हैं उनको वो जर्मिनेशन तभी लेंगे जब उनको ऐसा टेम्परेचर मिलेगा, ऐसा उनको इन्वायरमेंट मिल पाएगा, यही बात इनके लिए मैटर करती है। जबकि फसल अच्छी तरह से पकाने के लिए तापमान में गर्मी अर्थात अधिक धूप की भी ज़रूरत होती है, ये नहीं कि आपको सारा दिन बारिश की ही ज़रूरत है, फसल को पकने के लिए आपको उनको धूप भी देनी होगी। लेकिन जो खरीफ की कुछ फसलें होती हैं उनको ऐसे नमी ऐसे हवा ये टेम्परेचर उनको चेंज चाहिए होगा तभी उनका जमाव होगा। तो ये बात रही खरीफ की फसल की, इनको हम क्या कहते हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। खरीफ की फसल में धान आएगा, धान इस समय आप देख रहे हैं पूरे यूपी में धान की बुआई हो रही, धान बोया भी जाता है और धान बेरन के द्वारा भी लगवाया जाता है, दोनों तरीके से होता है, डायरेक्ट सीडलिंग प्रोसेस भी होता है और जो है वो जो लोग बेरन डालते हैं एक महीने उसके बाद उसको जो है ट्रांसप्लांटिंग करवाते हैं, वो दो तरीके से धान लगाया जाता है, ठीक है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड है, फिलहाल मेरे यहाँ तो डायरेक्ट होता है ये मुझे पता है। मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, मूंगफली है, जूट है, ये जितनी फसलें होती हैं, ये बहुत सारी और भी फसलें हैं जो खरीफ की फसल कही जाती है, जो बारिश के सीजन में मानसून के सीजन में लगाई जाती है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी है, ये नाम यहाँ पे रिपीट हो गया, हम इसको छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो की गई है बात वो है रबी की फसल, एक चीज़ रिपीट हो गई है कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, रबी क्रॉप, ठीक है। रबी की फसल क्या है, ये बात क्या है समझते हैं। रबी की फसलों को मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में अर्थात अक्टूबर से नवंबर, यानी कि हम इसको सर्दी की फसल कह सकते हैं, एक नाम। टाइम ड्यूरेशन क्या है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में उगाया जाता है। रबी की फसल को उगाने के लिए कम तापमान, इनको भी कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कम पानी की ज़रूरत भी होती है। मानसून के सीजन में जो चीज़ें लगाई गई थी यानी कि खरीफ है, उसे पानी खूब चाहिए होती है। धान को देखें बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितना आप उसको पानी देंगे उतना ही बढ़िया धान होता है, ये बात कही जाती है। तो कम पानी की ज़रूरत होती है जो रबी की फसल होती है, कम तापमान की ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, जबकि फसलों को पकाने के लिए गर्मी की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ती है। मुख्य रूप से जो रबी की फसलें अक्टूबर के महीने के बाद ही बोना शुरू होता है, अक्टूबर से लगाना शुरू होते हैं, नवंबर तक लग जाती है लगभग। जैसे मसूर हो गया, मसूर की दाल आती है ना, मसूर की दाल हो गई, सरसों लगाया जाता है, ठीक है, चना लगाया जाता है, मटर लगाया जाता है, जौ लगाया जाता है, आलू है लगाई जाती है, तंबाकू है, गन्ना है, चुकंदर है, ये सब क्या होती है, ये रबी की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल की एक लिस्ट बना लीजिएगा, याद रखिएगा, आपको फसल दे देगा, पूछेगा कि खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है कि कब की फसल है, तो आप गलती करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा कि कौन सी फसल कब लगाई जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में आया भी है, 2018 या 2019 के पेपर में आया, मैं पेपर करवाऊँगी तो चीज़ें आपको क्लियर दिखाऊँगी कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, जायद की फसल, ठीक है, जायद क्रॉप, इनके बारे में क्या है यह भी जानते हैं। समझ में आ रहा है, होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ध्यान से बातों को सुनिए, समझते चलिए, क्लास को अभी पहले अटेंड करिए, पढ़िए ध्यान से, ठीक है, उसके बाद जो करना होगा करिएगा, लेकिन अभी पहले क्लास चल रही है तो हर चीज़ को समझते हुए चला करिए, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपके लिए हूँ, आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगी, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बचने वाला जो समय होता है उनके दौरान जिन फसलों को लगाया जाता है उनको हम जायद कहते हैं, मतलब कि रबी की और खरीफ के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उनके बीच में जो क्रॉप लगाई जाती है उनको हम जायद की फसल कहते हैं। दरअसल इस मौसम में बोई जाने वाली फसल को पकने में बहुत कम समय लगता है, ये इसलिए होती है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, मिड ड्यूरेशन, तीन प्रकार की क्रॉपें आती हैं, लगभग कुछ लंबी अवधि वाली होती हैं, जैसे धान भी बहुत वैरायटी का आता है ना कि लंबी अवधि वाला 135 दिन 170 जैसे मैं आपको बताऊं तो बासमती धान और बहुत अच्छी वैरायटी के जो धान होते हैं, जो अच्छे खूबसूरत वाले खूब खिले खुले पुलाव टाइप के जो धान होते हैं वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन, नाटी मंसूरी एक धान आता है, बासमती का धान आता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे धान आते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर हो जाती है कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 135 दिन 170 दिन 180 दिन ऐसे होता है, और जो छोटे वैरायटी के धान होते हैं वो ज़्यादा 100 दिन 120 दिन ऐसे भी होते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन दो चीज़ें होती है, तो जायद क्रॉप के साथ जो है टाइम इंटरवल का गेम ज़्यादा होता है, क्योंकि जायद की जो क्रॉप होती है ना वो खरीफ के और रबी के बीच दो एक दो महीने का टाइम इंटरवल था उसी में बोई जाती है, उसी में पक भी जाती है। जायद की फसल मुख्यतः मुख्य रूप से मार्च से जो है ये इधर भी हम लोग कभी कभार शॉर्ट ड्यूरेशन में जो अभी हम सोच रहे हैं कि जुलाई के बाद कर लेते हैं, क्योंकि जून से जुलाई में ये खरीफ की क्रॉप रहती है, उसके बाद अगस्त सितंबर आपका खाली रहता है, अक्टूबर से आप जो है रबी की करते हो, तो अगस्त सितंबर में भी कुछ क्रॉप कर ली जाती है, कुछ हल्की फुल्की बहुत छोटी मात्रा में। फिर उधर आप देखेंगे तो ये आप मार्च से जून के महीने के बीच में कर सकते हैं, जैसे ककड़ी कर ली, ककड़ी ठीक है अभी भी मिलती है मार्केट में खाने को, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, तरोई हो गई, खरबूजा हो गया, टमाटर, कैसे बहुत सारी
सारी फसलें होती हैं जो ये जायद की फसल कहलाती है, ठीक है। जायद के समय कर ली जाती है, कद्दू वगैरह की जो सब्जी होती है वो उसी समय लगाई जाती है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब्जियों की खेती उस सीज़न में ज़्यादा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक, जहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉप के बारे में देखा, तीन प्रकार की क्रॉप फुल डिटेल में अच्छे से समझा, ठीक है। होपफुली इंटरेस्टिंग होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण। क्लास हमारी लंबी होगी, कोई क्लास को छोड़ के जाएगा नहीं, ध्यान से देखते हुए चलिए। क्लास हमारी इंटरेस्टिंग होगी, सिलेबस बड़ा है तो क्लास भी साइंस की लंबी लंबी क्लास होगी, ताकि आपको चीज़ें एक में प्रोवाइड होगा ना, इससे बहुत सारी क्लास बन जाएगी। इस वजह से फसलों का वर्गीकरण, दैट मीन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब इनके बारे में कुछ चीज़ समझते हैं कि कैसे हम इनको बांट सकते हैं, कैसा बांटा गया है। भारत में फसलों का उत्पादन मौसम आवश्यकता और आर्थिक महत्व या वनस्पतिक समानताओं और जीवन चक्र के आधार पर किया जाता है। मतलब हम मौसम के लिए, हम आवश्यकता के लिए, हम अपने आर्थिक पैसे के लिए, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फसलों का चुनाव करते हैं, उनको डिवाइड करके रखे हुए कि कैसे हमको कौन सी फसल को लगाना है, कौन सी फसल से क्या लाभ होने वाला है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें उसको समझते हैं। देखिए जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जो बंटवारा किया गया है या जो बातें डिवाइड की, उसमें सबसे पहले क्या है, मौसम और ऋतु के आधार पर हम मौसम के और क्लाइमेट के और ऋतु के हिसाब से इनको हम चेंज करते रहते हैं। उपयोग और आर्थिक, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ का लाभ है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी मिट्टी में बहुत सारे फल फ्रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे किसान लोग फल लगाते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं तो उससे पैसे, लोग धान गेहूँ करते हैं, बहुत सारे लोग सब्जी लगाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जिसको ज़रूरत रहती है वो लगाता है, उसके हिसाब से काम करता है। जीवन चक्र क्या होता है फसलों का, भी जो जीवन चक्र होता है कि अब इसके बाद ये लगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरकता बनी रहेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फसलों का वनस्पतिक वर्गीकरण, के जो वनस्पति वेजिटेशन है उनके हिसाब से भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो मैंने आपको चार मेजर फैक्टर बता दिए जिनके बेस पर हम डिवाइड करते हैं। चलें आगे, एनी प्रॉब्लम एनी वन आपको मुझे बताना होगा, तभी आपकी चीज़ें दूर होंगी। देखिए अब मैंने आपको सबसे पहला जो बताया, क्या बताया कि मौसम और ऋतुओं के आधार पर, ऋतु के आधार पर हम कैसे इसको सीजन के बेस पे कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, या कौन सी फसलें हैं जो सीजन के बेस पे डिपेंड होती हैं, इनको समझना है। देखिए भारत में मौसम के आधार पर उत्पादित की जाने वाली जो फसलें हैं उनको तीन क्लासिफिकेशन में बांटा गया। वो तीन क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर हैं, खरीफ की क्रॉप, रबी की क्रॉप और जायद की क्रॉप। इनके बारे में फुल डिटेल मैंने आपको क्या होता है, कौन कौन सी क्रॉप होती है, अच्छे से एलोबरेट करके डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरा अच्छे से डिस्कशन करके बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे चल के, एक क्लासिफिकेशन यहीं पर क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, उपयोग और आर्थिक महत्व के आधार ऑन द बेसिस ऑफ यूजर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अपने यूज और अपने आर्थिक चीज़ों के लिए, तो इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन सी आएंगी, ये समझते हैं। जैसे अनाज की फसलें, अनाज लोग करते हैं ना, गेहूं चावल लोग करते हैं, कितने कुंटल कुंटल धाने होते हैं, धान होता है ले जाके सरकारी कोटे में बेचते हैं, मतलब जहाँ बिकता है तो सरकार उन्हें पैसे देती है। गेहूँ हो गया, धान हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, सरसों गेहूँ ये सब ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनाज वाली चीज़ें होती हैं वो आपको पैसे दिलाती हैं, ठीक है। दलहनी की फसलें, आप पल्स देखे रहे की दाल है, मूरत की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, मटर की दाल है, सब बहुत महंगी महंगी बिकती हैं, ठीक है। सबके रेट इस समय 150 के ऊपर लगभग है, 100-150 से चलते रहते हैं। तिलहन की, जिसमें ऑयल सीड्स होते हैं, सरसों का हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तिल्ली हो गई, तिल्ली जिसका हम लड्डू खाते हैं जनवरी के समय ना, बनता है तिल का लड्डू, वो चीज़ें हो गई। फसलदार फ्रूट क्रॉप, जैसे लोग गन्ने की खेती करते हैं, लोग केले की खेती करते हैं, लोग आंवले की, प्रतापगढ़ में आंवला बहुत फेमस है, आंवले की खेती बहुत, अब तो केला और आंवला बहुत फेमस होने लगा, इलाहाबाद में तो अमरूद होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सॉरी प्रयागराज में। रेसे की फसलें, फाइबर क्रॉप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। मिर्च और मसाले की जो क्रॉप्स होती है वो हम ये उत्पादन के हिसाब से और आर्थिक, मिर्च लोग लगाते हैं, मसाले लोग लगाते हैं, औषधि मेडिकल प्लांट में बहुत सारे जैसे पुदीना लोग लगाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ये सारा सात क्लासिफिकेशन, इस तरह बहुत सारी क्लासिफिकेशन होंगे जिनको हम यूज़, उपयोग और आर्थिक महत्व के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का, लाइफ साइकिल के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रॉप बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। इनके बारे में जानते हैं क्या है, वर्तमान समय में अवधि के अनुसार उगने वाली जो फसलें होती हैं वो अनेक जातियां उनकी विकसित हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी स्पीसीज हैं उनकी इंस्टिंक्ट, उनकी छोटी छोटी जातियाँ हैं वो डेवलप हो चुकी हैं आज के समय में। इसमें से कुछ फसलों का जीवन काल बहुत कम समय का, कुछ ऐसी होती है जिनका जो जीवन काल, लाइफ स्पैन है, वो कम टाइम के लिए होता है, और जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो लंबी लंबी अवधि तक होती हैं। जीवन काल में लगने वाली, पौधे के जीवन काल में लगने वाली इस अवधि के आधार पर फसलों को, उनके जो टाइम ड्यूरेशन है कि कब वो लगेंगी, कब वो पकेंगी, कब वो फल देंगी, इन सब चीज़ों के बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया। यही चीज़ है इनके जीवन चक्र के आधार पर। जैसे आपको देखना चाहेंगे तो आपको ये बताऊँ, ये देखिए एक वर्ष की क्रॉप, एनुअल क्रॉप होती है, एक वर्ष की क्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। द्विवर्षीय, बाइनियल,
सॉरी बाइनियल क्रॉप आप कहेंगे, एक वर्षीय एनुअल क्रॉप जो 2 साल की होगी उसको बाइनियल क्रॉप, और जो 2 साल से भी ज़्यादा उसको पेरिनियल क्रॉप कहते हैं जो 3 साल की होती है। जैसे बहुत सारी फसलें होती है, जैसे आप कोई फ्रूट लगाएंगे तो वो लगभग 3 साल 2 साल, आप आंवला लगाएंगे तो 3 साल बाद आंवला लगभग फटता है, अमरूद लगाएंगे अमरूद की बाग तैयार करेंगे तो 2 साल मैक्सिमम 3 साल लग जाते हैं, शायद केले की आप लगाएंगे तो केले की मान के चलिए कि 18 महीने 19 महीने लगभग लग जाते हैं, 2 साल लगभग पहुँचने वाला होता है। ऐसे आपको ये सारी फसलें रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखें यहाँ पे फसलों का वनस्पतिक वर्गीकरण, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन क्रॉप क्रॉप, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं क्या है। इन वनस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर हम बहुत तरीके से इनको बांटते हैं, वो कौन कौन से हैं क्या समझते हैं। देखिए घास परिवार, घास परिवार में जैसे धान आ गया, मक्का आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, गेहूँ आ गया, जौ आ गया, गन्ना आ गया, ये सब क्या है, ये घास परिवार में आते हैं, जर्मिनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, थोड़ा नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, मटर परिवार, ठीक है, ल्यूमिनेसी फैमिली, अरहर है, उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है, सनई है, लैचा है, गवार है, मूंगफली है, मटर है, चना है, मसूर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तीसरा है सरसों फैमिली, ठीक है, अब यहाँ पे जो सरसों फैमिली के बारे में यहाँ पे है, क्रूसीफेरा इसको बोला जाता है, क्रूसीफेरा, ये नाम ध्यान में आना चाहिए, ये आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब की बार जो टेट हुआ था जनवरी में ना, उसमें शायद ये प्रश्न था कि नवंबर में जो हुआ था उसमें था, मुझे श्योर नहीं बट किसी में था, ये ध्यान है, मैंने पेपर थोड़ा देखा था। ठीक है, यहाँ पे जैसे सरसों हो गया, तोरिया हो गया, ये तरा मेरा हो गया, बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ये सब्जी वाला जो चीज़ें हैं ये सब इनके कहमत आ जाते हैं। फिर यहाँ पे कपास का परिवार जो है, मालवेसी फैमिली, कपास है, पटसन है, भिंडी वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकी फैमिली में आ जाती हैं, इनकी फैमिली में ही आती हैं। आलू का परिवार होता है सोलोनेसी फैमिली, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, तंबाकू, ये सब आते हैं। अलसी का परिवार, अलसी आएगी, लीनिएसी फैमिली होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। कद्दू परिवार, कुकुरबिटेसी होता है कद्दू के परिवार को, शायद वो सरसों वाला नहीं, शायद यही कद्दू वाला पूछा था, दो में से एक था, अगर कोई दिया हो तो देख लीजिएगा। पेठा है, खीरा है, करेला है, तरबूज है, ये सब खरबूजा, ये सब कुकर इसमें आते हैं, कद्दू परिवार में आते हैं। पेठा जो सफ़ेद वाला खी वो होता है, कद्दू होता है, उसका बनता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं उनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, फसलों का जो वनस्पतिक वर्गीकरण है, जो उनके बॉटनिकल नेम है या उनके जो पेरेंटल नेम है, उनके बेस पे डिवाइड किया गया कि कौन सा किसके अंतर्गत आएगा, तो ये एक क्लासिफिकेशन देखने को मिला। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फसल चक्र क्या होता है, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये पक्का पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लघु उत्तरीय में पूछेगा इसको आपको। देखिए, भारत में फसलों का उत्पादन मौसम और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, ये बात हम पहले ही देख चुके, किसी एक निर्धारित क्षेत्र में जो फिक्स्ड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर फिक्स ये चीज़ें हो रही हैं, और समय आने जो और जो समय है, अनेक प्रकार के फसलों को उत्पादन करने की प्रक्रिया को ही हम फसल चक्र कहते हैं। तो एक फिक्स्ड एरिया में जिस समय कौन सी चीज़ें होनी है, वही चीज़ सुचारू रूप से जब होने हो रही है कि या किस चीज़ का उत्पादन करना या होगा, वही फसल चक्र होता है। आपको बता देती हूँ कि फसल चक्र को सस्य चक्र या सस्य आवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भूमि पर, किसी लैंड पर, लैंड में एक निश्चित समय पे, एक फिक्स टाइम इंटरवल में फसलों को बदल बदल कर बोना और उनका उत्पादन करना फसल चक्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में आता है तो लघुत्तरी में आएगा, तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा एक पैराग्राफ, अति लघुत्तरी में 3 लाइन लिखनी होगी, और अति लघुत्तरी में पूछता है तो यही लिख दीजिएगा कि एक निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर चेंज करके बोना और उनका उत्पादन लेना ही फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी साधारण सी जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताई है कि आप क्या अपने शब्दों में बना कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब चलते हैं आगे, अब इनके बारे में समझते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई चीज़ हो रही है अच्छे तरीके से हो रही है तो उसकी कोई ना कोई बेनिफिट होगी, इंपॉर्टेंस होगी, देखते हैं क्या है। भूमि में एक ही फसल का निरंतर उत्पादन करने से खेत की उत्पादन क्षमता घट जाती है। अगर आप एक फसल चक्र वाला रास्ता नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा कि आप एक ही चीज़ को अगर बार 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 कंटिन्यूअस उसी चीज़ को बोएंगे तो उसकी जो खेत की जो उत्पादन की क्षमता है, खेत की जो पैदावार करने की ताकत है, वो मर जाएगी, वो एक ख़त्म हो जाएगी, घटने लगेगी, अर्थात फसल की पैदावार कम हो जाएगी। वो मरेगी कैसे, पेड़ नहीं सूखेगा। जो जैसे अगर कोई धान आपने बोया है और एक खेत में लगभग 15 क्विंटल हो रहा है, एक खेत में, एक बीघे में आपको जो है 15 क्विंटल 20 क्विंटल धान हो रहा है, धीरे धीरे आप वही कंटिन्यूस करोगे तो 10 क्विंटल पे आ जाएगा, तो 10 क्विंटल का नुकसान हो गया ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसके साथ ही भूमि में विभिन्न प्रकार के विषैले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वही चीज़ आप बार बार करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइजनस क्वालिटीज होती है जो मिट्टी के अंदर पनप जाती है। दरअसल क्या होता है, अगर लगभग देखा जाए तो भूमि में भौतिक और जैविक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए फसल चक्र के अनुसार फसल का उत्पादन किया था। जो लैंड है,
लैंड जो भूमि है, ठीक है, जहाँ पे आप ये उत्पादन ले रहे हैं, तो उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों पोजीशन, दोनों रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उनका सभी, कोई भी चीज़ हो रही, कोई काम हो रहा, तो उनका एक बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम फसल चक्र का जो रास्ता है या फसल चक्र का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, ताकि फिजिकल भौतिक चीज़ें जो है वो, और जो जैविक है, जो बायोलॉजिकल है, वो स्थिति, वो कंडीशन, वो टेम्परेचर, वो जो पावर है वो उसमें मेंटेन रहे, ठीक है। ताकि अगर वो मेंटेन रहे तो उत्पादन अच्छा होगा, आप फिर चाहे जो लगाएंगे। क्रॉप रोटेशन का उपयोग एक कर आप उच्च क्वालिटी के साथ ही अधिक मात्रा में, आप अगर क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप एक बढ़िया क्वालिटी में उत्पादन पा जाएंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है वो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी और आपकी जेब बढ़िया अच्छी खासी गर्म हो जाएगी हर सीजन में, अगर कोई आप ऐसी क्रॉप को इस वे में लगाते हैं तो। क्योंकि अगर कोई चीज़ बताई गई है, साइंटिफिक है, लिखा गया है, तरीका है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न होगा, तभी ये चीज़ें करवाई जा रही। इससे क्या होगा कि खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो संतुलित बनी रहेगी। अब अगर आपने पहले एक क्रॉप बोई, फिर कोई दूसरी बोई, काटा अच्छे तरीके से, उसमें खेत खाद डाला, पानी डाला, सब कुछ अच्छे से किया है, तो जो क्षमता है भूमि के उत्पादन करने की वो मेंटेन रहेगी। वो अगर बढ़ेगी नहीं तो ख़राब तो बिल्कुल नहीं होने पाएगी। अगर आप उसमें खाद, समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर कोई कीटाणु लग रहा है, तो घास हो रही है, तो कुछ भी चीज़ों के लिए अगर आप उचित तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसको ढंग से करेंगे, तो आपको क्या होगा कि उत्पादन के साथ क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों मिलेगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक बन दो काम हो जाएगा। चलिए, समझ में आया। अब समझते हैं इनसे लाभ क्या है, बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न बनता है और आपको पूछ लिया जाएगा। देखिए, पहला, फसल चक्र को अपना कर, फसल चक्र को अगर आप अपनाते हैं, यानी कि आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, ये अपना कर का मतलब आप उसको मानते हैं, उसको लगाते हैं, तो मिट्टी की जो रासायनिक, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है मिट्टी का, जो उसका फिजिकल, जो उसका बायोलॉजिकल गुण है, वो बेहतर किया सकता है। क्योंकि मिट्टी की क्षमता, मिट्टी से मिट्टी या कोई चीज़, अगर कोई क्रॉप लगाया जा रहा है तो मिट्टी की जाँच करवाते हैं कि कितना फॉस्फोरस है, कितना कैल्शियम है, कितना, ये सारी चीज़ें। मुझे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज अगर थोड़ा बड़ा इस एरिया में है, वो इस वजह से है क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती की होती है, इस वजह से मुझे इस चीज़ की जानकारी है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें आपको कहें, जैसे आप कोई फसल लगाने जा रहे हो तो आप पहले उस चीज़ की मिट्टी में ले जाके आप लैब का टेस्ट करवाओ कि क्या क्या आपके खेत में है और क्या आपको डालना होगा, और फिर आप जो चीज़ की खेती करने जा रहे हो उसके पीछे आपको देखो कि इसमें क्या डालने से इस चीज़ की बढ़त होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की चीज़ों को कोई चीज़ नहीं सूट करती है तो फिर आपकी वो फसल नुकसान हो जाएगी, तो इस सब चीज़ों का ध्यान भी रखना। इसीलिए इन सब चीज़ों को करने से पहले, जब फसल चक्र का काम है, अगर इसको आप शुरू से करते आए हैं तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, पहला हो गया। फिर देखिए, फसल चक्र के अनुसार खेती करने में भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अगर आप फसल चक्र को फॉलो करते हैं, क्रॉप रोटेशन सिस्टम चलते हैं कि क्या करना है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर स्टेप वाइज चढ़ते हैं, तो क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन के मैटर्स है, जो एलिमेंट है, तत्व, उनकी जो क्षमता वो बढ़ जाती है उसमें मिट्टी में, ठीक है, फिर वो अच्छा उत्पादन देते हैं। तीसरा, खेत की जो उर्वरक क्षमता, जो उसकी पैदा करने की क्षमता है, वो बढ़ने लगती है, और फसल चक्र बहुत ही अहम योगदान मान लिया जाता है कि हम इस पद्धति से, इस तकनीक से काम कर रहे हैं, तो इसका लाभ हमको हमारी जो है, जो उत्पादन है उसमें देखने को मिला है। संघनन फसल, जो बहुत एरिया में चौड़ी चौड़ी या खूब एरिया को कैप्चर करके लगती हैं, अपनाने में खेत में जीवाश्म की मात्रा बढ़ने के साथ साथ खरपतवार की समस्या कम। बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो, जैसे पल्स आप लगाइए, पल्स लोग अरहर की दाल लगाते हैं, ठीक है, यूपी में लगभग अरहर लगाई जाती है, और जहाँ पे, क्योंकि अरहर एक ऐसी फसल होती है जिसको पानी कम लगता है, और अरहर जो है मतलब जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है या जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। तो अरहर की दाल में जो है, दाल की जो जड़ें होती, दाल का जो प्लांट है, कि अरहर का प्लांट है, इन सबका जो प्लांट होता है, इनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होती है, ठीक है। हर चीज़ों में कुछ ना कुछ पाया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। जो संघनन फसलें होती, बहुत सारी ऐसी फसलें होती है, अगर बहुत लोग जो इनको लगाते हैं, उनमें जो है जीवांश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो है खरपतवार की भी समस्या देखने को कम मिलती है। कृषि योग्य भूमि में जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और जिससे खेत की मिट्टी में विषाक्त पदार्थ एकत्रित होते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं तो मिट्टी जो विषैली हो जाती है, मिट्टी जो सफ़ेद सफ़ेद से दिखने लगती है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो गलत एलिमेंट आ जाते हैं, उन सबको नष्ट करने की उसमें क्षमता आ जाती है, कि वो खुद ही, इसे होता है ना कि हमारी बॉडी में जो है एंटीजन भी बनते हैं, तो खुद ही एंटीबॉडी बनती है, तो वो मारने की क्षमता रखती है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए, फसल चक्र प्रक्रिया अपनाने से मिट्टी में पनपने वाले विभिन्न प्रकार के रोग और कीटाणु पर नहीं, अगर आप फसल चक्र को फॉलो करते हैं तो मिट्टी में जो रोग पनप रहा है या जो कीटाणु उस पर जो है अटैक कर रहे हैं, मिट्टी में घुस रहे हैं, तो उनकी जो क्षमता होती है, उसकी जो केचुआ पाया जाता है, तो केचुआ भी मार के उनको ख़त्म करता है, उनका ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो इनसे भी आपको जो है कंट्रोल रहेगा। क्रॉप रोटेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे मिट्टी की संरचना में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि जो मिट्टी की संरचना, जो मिट्टी का कंपोजिशन है, उसमें नए नए तत्व मिलते रहते हैं, उसमें नए नए तत्व, कोई चीज़ की अगर लिमिटेशन हो गई, कमी हो गई, जैसे आपके बहुत सारे मोस्टली गर्ल्स में बोला जाता है कि कैल्शियम की कमी लड़कियों में पाई जाती है, ठीक है, शुरू से देखने को मिलता है कि लड़कियों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अब आपको ये बात पता है तो आप कैल्शियम की टैबलेट खाओगे, सिरप पियोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें करोगे, तो ये तो एक सब्सिट्यूट है। लेकिन आप दूध दही मक्खन एकदम खाते रहो तो जब ये बात पता है कि आप दूध पीते रहो, एक गिलास दूध पीते रहो, तो आपको ये लेवल जो है ये मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। नहीं तो आप रोज़ उसके जो है टैबलेट्स खाओ, यही आपके पास एक सोल्यूशन है। ये तो वही रियल लाइफ की बात। लेकिन अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, मिट्टी में फॉस्फोरस कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया है, और अल्यूमिनियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, तमाम चीज़ें रहती हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो पेट के लिए फायदेमंद होते हैं, अगर वो कम हो गया, इस चीज़ की आपको जानकारी रहेगी तब तो आप उसमें डलवाओगे। लेकिन कोई रोज़ तो जाँच करवाता नहीं है, कोई कुछ कुछ लगाने जाए तो करवा लिया, नहीं तो हो गया, अरे ठीक है, मिट्टी सब पैदा करे कि हमारी धरती माता है, वो माता तो हमारी है, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, ये तो मैटर करता है, और हमसे उसे आर्थिक काम करना है। तो क्रॉप रोटेशन करने से ये बेनिफिट होता है, एक तो आप क्रॉप रोटेशन करेंगे, दूसरा आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, और मिट्टी की जो संरचना है, जो उसमें गुण है, तत्व है, उनमें सुधार होता रहेगा, ठीक है। खेत में अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ये होता है कि आपने एक पॉट में गमला लगाया, ठीक है, गमले में आपने एक पेड़ लगाया, अब आप उसमें एक गिलास, जितनी भी एक बड़ी सी गिलास होती है इसमें, ठीक है, आप उसमें ले जाके पानी डालो। अब ये नहीं कि आप एक दिन उसे उतना लवा लगा, दिन में उसको 100 बार जाकर पानी डालो, तो अधिक पानी से पेड़ क्या होगा, जड़ों में पानी लग जाएगा और पेड़ आपका सड़ जाएगा, पेड़ जड़ आपकी सड़ने लगी तो पेड़ आपका सूख गया, खत्म हो गया। तो यही बात है कि अधिक सिंचाई भी बहुत नुकसानदायक हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। कभी कभी देखिए, जब बहुत मात्रा में पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो ये धान वान के जो पेड़ होते हैं मानसून सीजन में, ये पानी में गिर जाते हैं, फिर इनको उठाने में अगर उठ गए कुछ से तो ठीक है, अगर ये नहीं उठे तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई खेती कर रहा है तो आपको कितना पानी डालना, कितनी खाद डालनी, कब पानी डालना, कितना पानी डालना, कितनी खाद डालनी है, कौन कौन सी खाद डालनी है, बहुत ज़्यादा डीपी डाल दो, बहुत ज़्यादा यूरिया डाल दो, तो यूरिया डीपी भी नुकसान भी करते हैं, जला भी देते हैं, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है। आपको पता कुछ है, स्प्रे आपने कुछ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये रहा आपका फसल चक्र लगाने का बहुत सारा फ़ायदा, कि फसल चक्र लगाने से क्या होता है, मैंने आपको फुल डिटेल में लाभ वगैरह बढ़िया बता दिया, जितना मैंने अपने तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया, आपके सिलेबस में दिया गया था। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, होपफुली आपको समझ में आ, इंटरेस्टिंग आपकी ये क्लास होगी, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी जो आपने पहले, तो हमने जब हम साइंस पढ़ रहे थे तो छोटी क्लास में सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे। आज हमको यहाँ पे फिर एक बार रिवाइज करना है, हमने अच्छे तरीके से रिवाइज किया, होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आ, अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, नोट्स क्लियर है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि, क्योंकि आप नोट्स को आप रिवाइज कर सको, ठीक है। हम इसका टेस्ट लेंगे, इसीलिए ध्यान से करते हुए चलेंगे और पेपर बड़े बनाऊंगी मैं अबकी बार, और सोच के सेट करूंगी ताकि आपको मैं फंसा पाऊँ। इसीलिए सभी लोग जितने भी हैं सबका मैंने आपको लगभग मुझे नाम भी याद है, आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि कैसे प्रश्न आपको अराइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जाते जाते एक कमेंट रेट ज़रूर करते हुए जाइएगा। सभी लोग जितने भी लोग क्लास को आज अटेंड किए हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया, अगर ना भी समझ में आया तो ये भी बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और बेस्ट तैयारी करूँगी, लेकिन आपको मुझे बताना होगा। चलिए कोई बात नहीं, कल हम फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे, तब तक लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।